अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है, आप देखें यू बी टेक जज्बा। और iOS 13 की रिलीज़ डेट यानी कि WWDC की डेट कंफर्म हो चुकी है। इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा, सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। एप्पल ने कंफर्म किया कि WWDC होने वाला है 3 जून से लेकर 7 जून तक, तो एक हफ्ते का इवेंट होगा, एक्चुअली 5 दिनों का इवेंट होगा। तो 3 जून को स्टार्ट होगा और 7 जून तक चलेगा ये, और 3 जून को ही iOS 13 अनाउंस हो जाएगा और मे बी डेवलपर्स के लिए ये अवेलेबल भी हो जाए। तो हाँ, फाइनली iOS 13 की डेट आ चुकी है, WWDC की भी डेट कन्फर्म हो चुकी है। अब ये कुछ पोस्टर जो है वो एप्पल ने रिलीज़ किया, इस तरह कुछ और भी पोस्टर रिलीज़ किया। अब यहाँ से अगर लीक्स के बारे में बात करें कि क्या हमें पता चल रहा है, तो एक चीज़ तो साफ जाहिर हो रही है कि डार्क मोड फाइनली iOS 13 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। एज आपको लग रहा है कि यहाँ पे डार्क थीम है, तो हाँ, डार्क मोड फाइनली हो रहा है iOS 13 के अंदर। कुछ लीक्स ये भी कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम HUD है वो भी फाइनली चेंज होगी, जो बीच में स्क्रीन के अंदर आती है वो भी फाइनली iOS 13 के अंदर चेंज होगी। अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, ये भी लीक्स रूमर्स कह रहे हैं। अब इस पोस्टर को देखें तो कुछ नियॉन कलर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। अब ये हो सकता है थोड़ा डिज़ाइन चेंज भी आए, कुछ आइकन नियॉन्स होए। अभी ये चीज़ें कन्फर्म नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है। और iOS 13 ऐसा लग रहा है कि कुछ नए फीचर्स लेकर आएगा। अगर लेकर आएगा तो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत मज़ा आएगा। अब अवेलेबिलिटी की बात करें कि कौन सी डिवाइसेस के ऊपर अवेलेबल होगा, किन के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा, यह चीज़ अभी एप्पल ने कन्फर्म नहीं की, कहीं से भी कन्फर्म नहीं हुई। लेकिन कुछ रूमर्स कह रहे हैं, रूमर्स हैं, कन्फर्म कुछ भी नहीं है, कि iPhone 6s से स्टार्ट होगा, iPhone 6 और iPhone 5s को नहीं मिलेगा। अगर सच कहूँ तो ये कम्प्लीटली सेंस बनाता है, क्योंकि iPhone 5s और iPhone 6 काफ़ी पुरानी डिवाइसेज हो चुकी है, लेकिन अभी भी iPhone 6 के काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं। तो अगर iPhone 6 के लिए भी अवेलेबल हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रूमर्स कह रहे हैं कि iOS 13 iPhone 6s से स्टार्ट होगा, पर देखते हैं। तो इस तरह की बहुत सी वीडियोस और भी आएगी चैनल के ऊपर, उसके जरिए आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं फिर भी लोग आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।